राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7, जहां इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस शहर की जनता पर ब्रिज को लेकर हुई व्याकुल। आपको बता दें कि हाथरस शहर की जनता का कहना है कि व्याकुलता को और ना बढ़ाइए, शहरवासियों ने काफी परेशानियां झेली हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण बुआ ने जनप्रतिनिधियों अधिकारियों जिला प्रशासन से मांग की है कि उद्घाटन के इंतजार में पुल के आवागमन को बंद ना किया जाए। इस पुल के लिए जनता ने काफी आंदोलन और संघर्ष किया है और घंटों घंटों जाम में फंसकर इसके पूरा होने का इंतजार किया है, लेकिन प्रभारी मंत्री द्वारा समय ना हो देने के कारण इस पुल को ज्यादा दिनों तक बंद ना किया जाए। यह जनता की मांग है, जनता की मांग पर इस पुल को अविलंब प्रारंभ कर दिया जाए। जब भी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री पर समय हो वह आकर इसका उद्घाटन करते रहे, यही जनता मांग करती है। अब उद्घाटन के इंतजार में जनता को परेशान ना किया जाए। आइए देखिए अनिल चौधरी जनपद हाथरस से खास रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण वास ने आज हाथरस जनपद के ओवरब्रिज की उद्घाटन के रूप में उम्मीद जगी थी कि हाथरस की जनता जाम से बच सकेगी, लेकिन प्रभारी मंत्री जी द्वारा समय न दिए जाने के कारण आज उसका उद्घाटन नहीं हो सका। हाथरस की जनता काफ़ी मायूस है, क्योंकि उसने बरसों इस जाम झेला है, जाम में घंटों इंतजार किया है और संघर्ष किया है इस पुल के निर्माण के लिए, आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन और संघर्ष के बाद इस पुल का निर्माण होने के बाद उसकी उम्मीदों पर एक बार पुनः पानी फिर गया है। हम लोग उन्हें जिला प्रशासन से जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं किसी के भी उद्घाटन के इंतजार में इस पुल के आवागमन को बंद ना किया जाए। जब भी हमारे मंत्रियों पर जनप्रतिनिधियों पर समय हो वह आकर इसका उद्घाटन कर लें, लेकिन इसके आवागमन को चालू रखें जिससे कि आम जनता के जो परेशानी है उससे आम जनता को बचाया जा सके। और यह जनता की सुविधा के लिए है, जनता को इसको देखकर और ज़्यादा आक्रोश पैदा होगा, लिहाजा पुनः सभी से निवेदन है कि इस पुल का जल्द से जल्द आगमन प्रारंभ किया जाए। पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।